వరుసగా మూడోసారి దేశానికి సేవ చేసే భాగ్యం లభించడం సంతోషం అన్నారు ప్రధాని మోడీ. తనపై విశ్వాసం ఉంచి ఎన్డీఏ పక్ష నేతగా ఎన్నుకున్న కూటమి నేతలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఎన్డీఏ కూటమి భారత ఆత్మగా నిలుస్తుందని మాట ఇచ్చారు మోడీ. आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी हैं और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है. మూడోసారి ఎన్డీఏ పక్ష నేతగా నరేంద్ర మోదీ పేరును ప్రతిపాదించారు కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. బీజేపీ నేతలు అమిత్ షా, నితిన్ గడ్కరీ, జేడీఎస్ నేత కుమారస్వామి ఆయన పేరును బలపరిచారు. కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ప్రతి ఒక్కరి మద్దతు ఎన్డీఏకి లభించిందన్నారు అమిత్ షా. మోదీతోనే దేశాభివృద్ధి సాధ్యమని ఉద్ఘాటించారు. घटक दलों के एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं. ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष. कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें. इस सब और 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने काम किया, इसमें हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार ने किया है और देश की जनता का ये जनादेश उसको एक्नोलेज करता है, इस पर मजबूत थप्पा लगा. मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम. और साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, प्रामाणिकता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है. और केवल मैंने ही नहीं देखा है बल्कि समस्त देशवासियों ने इसे देखा है. हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि एनडीए की सरकार ने 10 वर्षों में उनके नेतृत्व में देश की जो सेवा की है उसकी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रशंसा हो रही है.